हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका ए टू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चूज कैसे करेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अगर हम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे से अपने चैनल का नाम डिसाइड नहीं करेंगे तो हमारा चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। फिर हम किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करो, तो सर्च में नहीं आएगा तो क्या ही सब्सक्राइब करेगा। इसलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल का नाम डिसाइड करेंगे, किस तरह से आप अपने चैनल का नाम चूज करेंगे, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका चैनल सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पर। दिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ चुके अपने YouTube एप्लीकेशन पर। दिन सबसे पहले आपको इनकोगिंटो मोड इनेबल कर लेना है। तो हम आ जाते हैं इनकोगिंटो मोड पर। दिन कुछ इस तरह से आने के बाद, अगर आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, एक चैनल का नाम मैं ही बनाना चाहता हूँ, तो फैक्ट्स 4.0। मैं एक फैक्ट चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, देन अपने चैनल का नाम फैक्ट 4.0 हमने रखा है, देन इसको हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अगर इस चैनल के नाम से कोई भी पॉपुलर चैनल आता है तो हम इस चैनल को कतई नहीं क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फिल्टर कर लेना है, देन यहाँ पर ऑल में जाकर चैनल को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर देना है। देन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फैक्ट 4.0 के नाम से कोई भी चैनल नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक कोई भी चैनल यहाँ पर नहीं है, फैक्ट 4.0। तो आप अपने चैनल का नाम फैक्ट्स 4.0 बिल्कुल रख सकते हैं, यह सर्च रिजल्ट में बिल्कुल आ जाएगी, तो क्योंकि इस नाम से कोई भी पॉपुलर चैनल नहीं बना है, यहाँ तक छोटे मोटे चैनल भी नहीं बने। इसी के साथ मैं एक चैनल और सर्च कर लेता हूँ, टेक्निकल अतुल, देन इसको हम सर्च कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे हमने टेक्निकल अतुल सर्च किया तो एक ऑलरेडी चैनल यहाँ पर शो हो रहा है, टेक अतुल, यानी कि कोई बंदा टेक्निकल अतुल सर्च करेगा तो यह चैनल टॉप में 100% शो होगा। तो इस स्थिति में टेक्निकल अतुल अपने चैनल का नाम कतई नहीं रखना है, क्योंकि हमारा चैनल सर्च रिजल्ट में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि टेक अतुल यह काफ़ी सिमिलर नेम है और इसके 1.69 लाख सब्सक्राइबर, जो कि हमारा चैनल इसके आगे कहीं पर भी शो नहीं होगा, तो इसलिए हमें यह नाम कतई नहीं रखना है। इसी तरह से आपको सर्च कर लेना है अपने चैनल का नाम। अगर उस नाम से कोई पॉपुलर चैनल या फिर कोई छोटे मोटे चैनल जिनके 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जब कोई दूसरा चैनल ऑलरेडी क्रिएट होता है और उस पर कुछ सब्सक्राइबर बेस होता है, तो फिर उस दौरान आपका चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा या फिर थर्ड फोर्थ नंबर में आएगा। तो इस दौरान काफ़ी सारे लोग मान लेते हैं कि आपका चैनल फ्रॉड है, आपने देख कर किसी का क्रिएट कर लिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपने चैनल का नाम डिसाइड करना है, किस तरह से आप अपने चैनल का नाम रखेंगे तो आपका चैनल सर्च रिजल्ट में 100% आ जाएगा। लेकिन चैनल को केवल सर्च में लाने के लिए यूनिक नेम ही जरूरी नहीं होता है, चैनल के कीवर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप चैनल में कीवर्ड्स लगाएंगे जिससे चैनल आपका टॉप में शो होगा, सर्च रिजल्ट में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हुई हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।